हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा। आज हम 2023 बोर्ड की एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट चैप्टर नंबर 11 3D पढ़ेंगे, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारी बोर्ड की एग्ज़ाम के लिए, और उसके मार्क्स लेना बहुत आसान है। अगर आप ये पूरे वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो मेरी गारंटी है कि आप बोर्ड में अच्छी तरह से लिख पाओगे। तो स्टूडेंट्स, हम शुरू करेंगे बेसिक से ही, पूरा बेसिक से लेंगे, पर टू द पॉइंट काम करेंगे। जितना एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है बोर्ड की, उतना ही काम करेंगे। तो शुरुआत करते हैं बेसिक टॉपिक नंबर 1, डायरेक्शन रेशियोस ऑफ द लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट्स PX1Y1Z1 एंड QX2Y2Z2। मतलब समझे ऐसा रहा यहाँ पे कि सपोज एक पॉइंट यहाँ पे P है, दूसरा पॉइंट Q, इन दोनों पॉइंट को जोड़ती हुई जो लाइन है उसका डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो मतलब क्या करेंगे हम? डायरेक्शन रेशियो के लिए हम सिर्फ सब्ट्रैक्शन करेंगे पॉइंट Q, क्या भाई बेटा, पॉइंट Q माइनस पॉइंट P करेंगे। तो देखो ध्यान से, पॉइंट Q माइनस पॉइंट P, X2 माइनस X1 Y2 माइनस Y1 एंड Z2 माइनस Z1। तो ये हो गया हमारा डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट्स। ये वन मार्कर क्वेश्चन हो सकता है, वन मार्कर में आ सकता है यहाँ पे। चलो नेक्स्ट एग्जांपल नंबर वन देखो। फाइंड, अच्छा यहाँ पे देखो, अ लाइन मेक्स एंगल 90 डिग्री, 60 डिग्री एंड 30 डिग्री विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। तो जब भी एंगल दिया हो, जब भी हमें एंगल दिया हो, तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन हमेशा क्या होगा? तो जितने एंगल दिए उसको कॉस लगा दो। तो फर्स्ट कॉस 90, दूसरा कॉस 60 एंड तीसरा कॉस 30। तो वो यमी मिल गया LMN। LMN हो गया हमारा डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन इज LMN। अगर एंगल दिया है सीधा, ध्यान से सुनो मुझे, अगर एंगल दिया है तो सिर्फ उसके ऊपर कॉस लगा दो, क्लियर? ओके चलो नेक्स्ट एग्जांपल नंबर टू इफ अ लाइन हैज डायरेक्शन रेशियोज दिए, मतलब यहाँ पे हमें दिया हुआ है 2 -1 एंड -2। डायरेक्शन रेशियोज दिए मतलब लाइन डायरेक्शन दी है, लाइन की डायरेक्शन क्लियरली यहाँ पे दी हुई है, पर आई जे की फॉर्म में नहीं लिखी, मतलब वेक्टर फॉर्म में नहीं दिए, उसके कोएफिशिएंट लिखे हुए, वो मेरे पास है 2 -1 -2। तो जब भी हम ऐसा कुछ दिया हो तो हम डायरेक्शन कोसाइन LMN कैसे फाइंड करते हैं? तो सिंपल, अगर मुझे डायरेक्शन रेशियोज ABC दिए है तो हम डिवाइडिंग बाय, तीनों को डिवाइड कर देंगे अंडर रूट a² + b² + c² से, similarly c upon, क्लियर? तो समझ लो बेटा, तो 2 upon √x² + y² + z² सिमिलरली यहाँ पे -1 upon same thing and -2 upon same thing। तो मिल गया मुझे आंसर, क्लियर? अच्छा, अब नेक्स्ट जो एग्जांपल है 3, वो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, क्योंकि ये बड़े बड़े जो सम्स होते हैं 3-4 मार्कर सम्स, उसमें बहुत काम में आएगा। यहाँ पे दो पॉइंट में से फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स, लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स, जिसकी बात मैंने यहाँ पे आपको भी पहले की है। ये रहा डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन पासिस थ्रू टू पॉइंट्स। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे आप क्या करेंगे, पॉइंट Q माइनस पॉइंट P कर देंगे। तो हम यहाँ पे सपोज इसको मैं नाम दिया है P, इसको नाम दिया है मैंने Q, तो हम करेंगे Q माइनस P, और जो नंबर निकलेगा उसके बाद एग्जांपल नंबर 2 हो जाएगा। एग्जांपल 2 में देखो हमें क्या नंबर मिला था, एग्जांपल 2 के अंदर हमें क्या नंबर मिला था, तो उसके बाद जो मिलेगा वो एग्जांपल नंबर 2, क्लियर? देखो तो हमें ये मिल गया यहाँ पे PQ। अब हमने फाइंड कर दिया यहाँ पे क्वेश्चन में डायरेक्शन, क्वेश्चन पूछा है हमें फाइंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू
2 points, yes perfect. तो यहाँ पे हम करेंगे अब वेक्टर पी क्यू फाइंड कर दिया, वेक्टर पी क्यू का मोड ले लिया, यहाँ पे थोड़ा अलग तरीके से लिखा हुआ है पर हम सिंपल मैंने ये बताया वही करो आप यहाँ पे। तो हम पहले यहाँ पे करेंगे क्यू माइनस पी कर दिया, क्यू माइनस पी करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 1 माइनस माइनस 2, फिर 2 माइनस 4 और उसके बाद होगा 3 माइनस माइनस 5। ये जो नंबर आएगा वो नंबर के अपॉन में हम ये कर देंगे, मतलब ये कंसेप्ट एग्जांपल 2 यूज़ करेंगे। एग्जांपल 3 में सिर्फ हमें एक स्टेप ज़्यादा करना है, हमें क्यू माइनस पी करना है उसके बाद सेम एज एग्जांपल नंबर 2। बुक में थोड़ा एक्स्ट्रा लिखा हो इसकी ज़रूरत नहीं है पढ़ने भी, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे बाद में आंसर देखो वही आ रहा है बराबर। तो ये मोड से मतलब पी क्यू से डिवाइड कर दिया उनको, ठीक है। चलो तो जब भी दो पॉइंट में से लाइन पास हो रही है, मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में काम में आएगा पीछे, तो हम क्या करेंगे इन शॉर्ट डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करने के लिए स्टेप वन हम करेंगे, स्टेप वन पॉइंट क्यू माइनस पॉइंट पी कर सकते हैं बराबर, अदरवाइज क्यू पी माइनस क्यू भी कर सकते हैं, पर हम डायरेक्शन पी क्यू फाइंड करने के लिए क्यू माइनस पी करेंगे। अंडरस्टूड। चलो नेक्स्ट, तो अब हम आते हैं नेक्स्ट के ऊपर। एग्जांपल 4, फाइंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। तो एक्स वाई एंड जेड एक्सिस सीधा सिंपल आंसर लिख लो, एक्स एक्सिस मतलब 100, वाई एक्सिस मतलब 010 एंड जेड एक्सिस मतलब 001। क्लियर। अच्छा चलो नेक्स्ट जो है यहाँ पे एग्जांपल नंबर फाइव शो दैट पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर पॉइंट्स। ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है, 3 पॉइंट की बात आई, मतलब दो दो पॉइंट की बनाएंगे पेयर। पहले बनाएंगे हम डायरेक्शन रेशियोज फाइंड करेंगे ए बी के लिए, ए बी मतलब क्या होगा बी माइनस ए। तो देखो पहले हमने यहाँ पे बी माइनस ए कर दिया और उसका डायरेक्शन रेशियो हमें मिल गया ये। सिमिलरली फाइंड करो बी माइनस सी ज्वाइनिंग बी सी, बी सी के लिए बी माइनस सी फाइंड करो, वो मिल गया मुझे ये। अब पहला पॉइंट क्या था, पहला डायरेक्शन रेशियो -1 -5 7 था, दूसरा डायरेक्शन रेशियो 2 10 और -14 था। इनका रेशियो निकालो, इनका रेशियो क्या होगा -1/2, फिर -5/10 और 7/-14 विच इज इक्वल टू -1/2 होगा। तो मतलब तीनों इक्वल है, अगर डायरेक्शन रेशियोज का रेशियो इक्वल है सो मतलब दोनों तीनों पॉइंट्स को लीनियर है, एकदम सिंपल सी बात है। अंडरस्टूड। ओके अब एक्सरसाइज 11.1 है जो हमारी नेक्स्ट, उसमें ये सभी एग्जांपल्स फिर से दिए हुए नए फॉर्म में, कुछ भी नया नहीं है, तो एक बार आप उसको देख लेना, उसमें कुछ भी नया नहीं है, सब कुछ एग्जांपल अगर 1-5 समझ गए तो आपकी 11.1 हो गई है। ध्यान से नोटबुक लेके बैठो, उसमें सब कुछ नोट डाउन करो, मैं जो बार बार बोल रहा हूँ इम्पोर्टेंट है वो खास अच्छी तरह से उसको लिखो। क्लियर। चलो अब हम बढ़ते हैं आगे 11.2 की ओर। हम बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बोर्ड की एग्जाम से जस्ट पहले रिविजन कर लिए, इसलिए थोड़ा टू द पॉइंट और जो काम का है वही करेंगे, बाकी सब कुछ अभी नहीं करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये चैप्टर का इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन आर बार इक्वल टू ए बार प्लस लैम्बडा बी बार, आर बार इक्वल टू ए बार प्लस लैम्बडा बी बार, वो क्या इक्वेशन ऑफ लाइन है, समझ लो क्या होता है इसके अंदर। ये जो एक फिगर में ड्रॉ कर रहा हूँ फिर से समझा रहा हूँ, ये जो लाइन हमारी, ये जो लाइन है उसकी बात कर रहे हैं हम, लाइन एल की जो पास हो रही है पॉइंट ए में से, तो पॉइंट ए का पोजिशन वैक्टर होगा हमारे पास ए बार और उसकी डायरेक्शन, ये लाइन देखो किसको पैरेलल है, इसको पैरेलल है, तो उसकी डायरेक्शन हो गई बी बार। तो इक्वेशन फाइंड करने के लिए, लाइन की इक्वेशन के लिए हमें दो चीज चाहिए, एक तो पहले पॉइंट ऑन द लाइन चाहिए। बेटा सुनो ध्यान से, कोई भी लाइन का इक्वेशन फाइंड करना हो 3D में तो हमें दो जरूरी, बहुत ज़रूरी चीज़ें चाहिए। पहली है हमारी, पहला है हमारा पॉइंट ऑन द लाइन और दूसरा नंबर डायरेक्शन, दूसरा हो सकता है डायरेक्शन, दूसरा होता है डायरेक्शन ऑफ लाइन।
वो कैसे मिलेगा, डायरेक्शन ऑफ लाइन ऐसे मिल सकता है, ऑलरेडी गिवन होगा, वर्ड सुनो ध्यान से, और ऐसा देंगे हमें कि पैरेलल टू अनदर लाइन, पैरेलल टू समथिंग, कुछ दिया होगा बाजू में, ऐसे मिलेगा हमें। तो ये जो डायरेक्शन होती है उसको बोलेंगे हम बी बार, और जो पॉइंट है उसको लेंगे हम ए बार। तो आर बार इक्वल टू ए बार प्लस लैम्बडा बी बार। अंडरस्टूड? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे। सो अगर सीधा कोई सम है यहाँ पे, जैसे ये क्या बता रहा है, अगर कोई सीधा सम है, ऐसा सम में दिया हुआ है कि एल एम एन अ डायरेक्शन कोसाइंस, तो इक्वेशन क्या बनेगा? अभी जो हमने लिखा था आगे, आर बार इक्वल टू ए बार प्लस लैम्बडा बी बार, वो था हमारा वेक्टर फॉर्म, वो था हमारा वेक्टर फॉर्म। अब हम बात करेंगे कार्टेशियन फॉर्म की, हम बात करेंगे कार्टेशियन फॉर्म और सिमेट्रिक फॉर्म भी बोलते हैं। ये जो लिखा है वो कार्टेशियन फॉर्म है यहाँ पे, तो मतलब एक्स के बाजू में एक्स वन, एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एल। तो ये जो होगा ए बार में से निकालेंगे उसका एक्स, फिर सिमिलरली वाई माइनस वाई वन अपॉन एम, और जेड माइनस जेड वन अपॉन एन। तो ये एल एम एन है, वो कहाँ से आएंगे? एल एम एन मुझे मिलेगा बी बार में से, फिर बी बार के, ये बी बार के पार्ट्स हैं यहाँ पे एल एम एन, और ये एक्स वन वाई वन जेड वन, मतलब ये एक्स वन वाई वन एंड जेड वन, वो हमारे ए बार के पार्ट्स हैं। अंडरस्टूड? चलो फटाफट से नीचे एग्जांपल नंबर सिक्स समझते हैं। फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट फाइव टू माइनस फोर। थ्रू द पॉइंट मतलब दिमाग में हमें क्लिक होनी चाहिए क्या, थ्रू द पॉइंट मतलब ए बार मिल गया, हमारा आधा काम हो गया। एंड विच इज पैरेलल टू वेक्टर, पैरेलल टू मतलब डायरेक्शन की बात होगी, तो मुझे यहाँ से क्लियरली, यहाँ से मुझे मिल गया ए बार और ये मिल गया मुझे बी बार। अब मेरा सीधा आंसर आ गया आर बार इक्वल टू ए बार प्लस लैम्बडा इंटू बी बार, सिर्फ वैल्यू पुट कर दो आई जे के फॉर्म में रखे, क्लियर। तो ये मिल गया मुझे वेक्टर फॉर्म, ये मुझे मिला वेक्टर का फॉर्म। अब बात करते हैं कार्टेशियन फॉर्म की, समझ लो कैसे लिखते हैं। एक्स के बाजू में पॉइंट लिखेंगे मतलब ए बार, वो क्या है फाइव एक्स माइनस फाइव अपॉन बी बार का एक्स कंपोनेंट, वो क्या है थ्री। सिमिलरली वाई माइनस टू अपॉन बी बार का एक्स वाई कंपोनेंट टू, जेड ए बार का जेड कंपोनेंट जेड माइनस माइनस फोर मतलब प्लस फोर अपॉन नीचे माइनस एट, ये मिल गया मुझे कार्टेशियन फॉर्म। अंडरस्टूड? ये सबसे इंपॉर्टेंट और बेसिक क्वेश्चन है, इसके बाद जितने भी क्वेश्चंस करेंगे इसमें इसका यूज होगा ही होगा। ये सबसे बेसिक और इम्पॉर्टेंट थिंग है कोई भी सम करने के लिए। एक बार वीडियो पॉज करो या रिवाइंड करो थोड़ा और सब कुछ समझ लो। चलो आगे बढ़ते हैं हम। अब जो बात करेंगे हम यहाँ पे, अगर दो पॉइंट में से, दो पॉइंट दिए है, दो पॉइंट दिए है, उसमें से इक्वेशन ऑफ लाइन बनानी, दो पॉइंट में से इक्वेशन ऑफ लाइन मतलब दो पॉइंट से पास हो रही हो ऐसी लाइन बनाओ। तो स्टार्टिंग में सिखाया मैंने कि पॉइंट पी पॉइंट क्यू दिया होगा, तो हम इसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, क्यू माइनस पी, वेरी गुड। और ए बार मतलब क्या होगा, ए बार मतलब एनी पॉइंट ऑन द लाइन, तो ए बार कैन बी पॉइंट पी और वी कैन टेक ए बार एज पॉइंट क्यू, बराबर। सीधा ही क्वेश्चन मुझे मिलेगा आर बार इक्वल टू ए बार कुछ भी ले लो, ए बार प्लस लैम्बडा टाइम्स क्यू माइनस पी होगा। तो ये हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन हो गया, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिस थ्रू टू पॉइंट्स, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिस थ्रू टू पॉइंट्स ऐसे करेंगे। तो समझने के लिए एग्जांपल नंबर सेवन देख लेते हैं फटाफट से। एग्जांपल नंबर सेवन, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिस थ्रू पॉइंट्स दिस एंड दिस। आपके दिमाग में पहला ये स्टेप आ गया होगा, q माइनस पी करेंगे, तो q माइनस पी मुझे क्या देगा, q माइनस पी मुझे देगा b बार, ये देखो ये रहा b बार, b माइनस ए किया हमने यहाँ पे, तो मतलब हमें ये जो मिल गया वो हमारा डायरेक्शन मिल गया, वो हमें डायरेक्शन मिल गया। डायरेक्शन क्या मिला,
ये रहा, और पॉइंट कोई भी यूज करो, ए बार बी बार में से कोई भी एक पॉइंट, तो आर बार इक्वल टू ए बार प्लस लैम्डा टाइम्स बी बार, ये मिल गया मुझे वेक्टर फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म पूछा होता हम ऐसे निकालते हैं, तो कैसे निकालते हैं? इसमें से सीधा लिख सकते हैं पॉइंट कौन सा है, लैम्डा के बिना जो है पॉइंट, एक्स माइनस आई, मतलब उल्टा लेंगे, एक्स प्लस वन अपॉन लैम्डा के साथ फोर, नाउ वाई माइनस टू अपॉन लैम्डा के साथ है वो नीचे आएगा, जेड माइनस सॉरी टू के है, मतलब यहाँ पे वाई के साथ कुछ भी नहीं है, ध्यान रखना एग्जाम में, तो वाई माइनस जीरो है भाई बेटा, यहाँ पे जे है ही नहीं बराबर, और जेड तो जेड माइनस के साथ है यहाँ पे टू, और अपॉन लैम्डा के साथ क्या है फोर, ये मुझे मिलेगा कार्टेशियन फॉर्म। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल एट की ओर, एग्जाम्पल नंबर एट की ओर। एग्जाम्पल एट ऐसा पूछा है, कार्टेशियन इक्वेशन दिया हुआ है, कार्टेशियन पे से वेक्टर फाइंड करना है, मतलब ऊपर जो मैंने सम किया उसका उल्टा करना है सब कुछ। तो यहाँ पे देखो क्लियरली, यहाँ पे हमें जो दिया हुआ है उसकी बात कर लेते, क्या क्या दिया हुआ है। तो हमें यहाँ पे कार्टेशियन फॉर्म दिया हुआ है, तो आप सोचो, सिर्फ इतना सोचो, ए बार क्या होगा, ए बार तो एक्स वाई जेड के बाजू में है, वो लिख लो साइन चेंज करके, माइनस थ्री पॉइंट, माइनस थ्री फिर फाइव एंड माइनस सिक्स, और डायरेक्शन डायरेक्शन होगी हमारी नीचे है वो टू फोर टू, और इक्वेशन क्या होगा, आर बार इक्वल टू ए बार, मतलब माइनस थ्री आई प्लस फाइव जे माइनस सिक्स के प्लस लैम्डा टाइम्स टू आई प्लस फोर जे प्लस टू के। अगर एम सी क्यू होगा तो आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा कर सकते हैं, यहाँ से टू कॉमन निकाल दे और उसको लैम्डा में जोड़ देंगे, जैसे माइनस थ्री आई प्लस फाइव जे माइनस सिक्स के प्लस टू लैम्डा को, टू लैम्डा हो जाएगा, उसको मैं कुछ नया देता हूँ नाम म्यू, फॉर एग्जाम्पल म्यू, तो म्यू टाइम्स ये होगा यहाँ पे आई प्लस टू जे प्लस के, तो एम सी क्यू के फॉर्म में ये भी एक आंसर बन सकता है, ध्यान रखो ये, तो एम सी क्यू में कन्फ्यूज करने के लिए इसको ऐसे दे सकते हैं। अंडरस्टूड? चलो बेटा फटाफट से आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक एंगल बिटवीन टू लाइंस। ये फॉर्मूला लिखी है, हम समझ लेते हैं कैसे बनाई फॉर्मूला, क्या बनाई है, एंगल बिटवीन टू लाइन्स। जैसे दो लाइन मेरे पास यहाँ पे ड्रॉ की है, L1 L2, ये रहा L1, R बार इक्वल टू ए वन बार प्लस लैम्बडा बी वन बार है फॉर एग्जाम्पल, और ये जो मेरे पास है यहाँ पे L2, उसको हम लेते हैं R बार इक्वल टू ए टू बार, चलो R बार इक्वल टू ए टू बार प्लस लैम्बडा टाइम्स बी टू बार। तो एंगल फाइंड करना डायरेक्शन होगी, कैमरे में देखो डायरेक्शन, डायरेक्शन होगी उसके बीच में एंगल मिलेगा मुझे, डायरेक्शन के बीच में, मतलब हम लेंगे कॉस थीटा इक्वल टू बी वन बार डॉट प्रोडक्ट बी टू बार डिवाइडिंग बाय मोड ऑफ बी वन बार अपॉन मोड ऑफ बी टू बार। क्लियर? मोड ऑफ बी वन बार इंटू मोड ऑफ बी टू बार, तो ये मुझे मिला, और इसको खोल के लिखा हुआ यहाँ पे उन्होंने, इसलिए बच्चे होते कन्फ्यूज। इसको डॉट प्रोडक्ट को खोलना आपको आता होगा, अगर नहीं भी आता है कुछ किसी बच्चे को तो हम सम्स करेंगे तब देख लेना। तो ये जो फॉर्मूला है कॉस थीटा एंगल बिटवीन टू लाइंस, डायरेक्शन से दोनों निकाल दो, बी वन बार बी टू बार डॉट प्रोडक्ट अपॉन मोड बी वन बार मोड बी टू बार। अंडरस्टूड? सम लेते हैं तो आ जाएगा, आपको क्लियर हो जाएगा, चिंता मत करो, बस सिर्फ नोटबुक में सब कुछ लिखते जाओ, जैसे जैसे हम सम करते वैसे। फाइंड द एंगल बिटवीन पेयर ऑफ लाइन्स, चलो यहाँ पे ये रहा सम। तो एक इक्वेशन जो है यहाँ पे पहला आर बार इक्वल टू, तो उसमें से बी वन बार डायरेक्शन वन डायरेक्शन टू, डायरेक्शन वन मेरे पास यहाँ पे बी वन बार ये मिला और डायरेक्शन टू बी टू बार ये मिला। अब दोनों को कर देंगे हम डॉट प्रोडक्ट, मतलब बी वन बार डॉट कर देंगे बी टू बार। क्लियरली? क्लियर? तो क्या डॉट मतलब क्या करेंगे, डॉट का मतलब होता है सिर्फ आई के साथ आई मल्टीप्लाई करेंगे, देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे आई के साथ करेंगे पहले आई मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा वन थ्री जा वन इंटू थ्री, फिर प्लस जे के साथ जे वाला पार्ट प्लस टू इंटू टू प्लस टू इंटू टू एंड प्लस जेड टू इंटू सिक्स,
ये जो मुझे मिलेगा नया नंबर, ये जो मुझे मिला वो मिलेगा 3 + 3 + 4 + 8 sorry 6 + 12 6 + 12 not 8 which gives us 19. Now next find out mode b1 bar. हम फाइंड करेंगे इसका नाउ नेक्स्ट मॉड्यूलस फाइंड करेंगे मोड बी वन बार. मोड मतलब अंडर रूट आई जे के स्क्वायर्स बराबर. तो मोड मतलब यहाँ से देखो यहाँ पे तो ये रहा हमारा आई प्लस टू जे प्लस के उसके नंबर्स 1² + 2² + 2² फोर प्लस 4 + 1 विच इज इक्वल टू अंडर रूट 9 इट गिव्स अस 3 मोड ऑफ बी टू बार. तो मोड ऑफ बी टू बार हमारा क्या होगा अंडर रूट 3² प्लस सेकेंड लाइन की बात करें बी टू बार की 2² = 4 और 6² = 36 वो हमें देगा 36 + 4 = 9 मतलब 7 देगा √49 = 7. तो फॉर्मूला क्या थी हमारी अब cos थीटा इक्वल टू बी वन बार डॉट बी टू बार अपॉन मोड बी वन बार मोड बी टू बार पुटिंग ऑल द वैल्यूज बी वन बार इंटू बी टू बार हमें मिला है 19 अपॉन मोड में क्या मिला है 3 × 7 मोड की वैल्यूज तो 19/7 = 21 ये मिला हमें cos थीटा. क्वेश्चन वर्ड यूज किया होगा एंगल बिटवीन लाइन मीन्स थीटा के फॉर्म में लिखो आंसर थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा cos इनवर्स 19/21 समझ गए बेटा. एक बार देख लो फटाफट से अपने हिसाब से स्पीड अप ज़्यादा कम कर सकते हैं बराबर. तो 1.5 करो अगर आपको लगता है तो या -1.25 करो जो भी करना है और ध्यान देखिए अच्छी तरह से लिखो स्पीड हम सेट कर सकते हैं. अब यहाँ पे वही क्वेश्चन एग्जांपल 10th वही क्वेश्चन सेम पूछा है एंगल बिटवीन टू लाइंस ऊपर वाले सब में वेक्टर फॉर्म था यहाँ पे कार्टेशियन फॉर्म है तो बी वन बार कहाँ पे होगा नीचे बराबर. तो ये बी वन बार हो गया पूरा और ये मुझे मिला बी टू बार. अब जैसे मैंने ऊपर किया वैसे कर दो हमें रिक्वायर्ड एंगल मिल जाएगा. ठीक है चलो बेटा आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस ये जो कंसेप्ट है हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी समझ लो ऐसा दिया हुआ यहाँ पे कि दोनों डिफरेंट प्लेन की बात हो रही है दोनों लाइन डिफरेंट प्लेन में होगी उसकी बात हो रही है. जैसे यहाँ पे देखो फिगर में समझाया हुआ है ये जो लाइन है ये लाइन हमारा प्लेन कौन सा ए डी ई बी पे है और ये जो लाइन दूसरी है वो हमारा डी जी एफ ई प्लेन में है समझ गए बात को. ये दो लाइन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना उसकी फॉर्मूला तो उसकी फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है और ये सबसे इम्पोर्टेंट है हर बार ऐसा क्वेश्चन आता ही है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला क्वेश्चन आता है. इसकी फॉर्मूला अच्छी तरह से रट लो अभी R bar = अगर ऐसा है फर्स्ट लाइन a1 bar + λ × b1 bar सेकेंड लाइन R bar = a2 bar + λ × b2 bar. सबसे पहले हम करेंगे a1 - a2 क्या करेंगे भाई a1 - a2 डॉट बराबर a1 - a2 डॉट b1 bar × b2 bar करेंगे समझो. फिर से स्टेप वन हम स्टेप नंबर वन ये फाइंड करेंगे a2 - a1 - a2 करो या a2 - a1 कोई फर्क नहीं पड़ेगा a1 - a2 डॉट b1 × b2 इसको मैं और सिंपलीफाई फॉर्म में लिखूं तो समझ लो ये बनेगा हमारा डिटरमिनेंट मतलब ये a1 - a2 वाला पार्ट होगा हमारा फर्स्ट रो ये होगी हमारी फर्स्ट रो फिर b1 वो होगी हमारी सेकेंड रो एंड b3 वो होगी हमारी थर्ड रो बराबर. और स्टेप टू फाइंड करते हैं अब स्टेप टू की बात करते हैं मॉड्यूलस ऑफ b1 bar × b2 bar फाइंड कर लो वो होगा अंडर रूट के फॉर्म में आएगा क्लियर. क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करके हम करेंगे और हमारा डिस्टेंस डिस्टेंस की फॉर्मूला डिस्टेंस इक्वल टू स्टेप वन अपॉन स्टेप टू डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस हमेशा क्या होता है पॉजिटिव इसलिए हम रखेंगे उसको मोड के अंदर. तो पहले a1 - a2
डॉट बी वन क्रॉस बी टू का जो आंसर आया अपॉन मोड ऑफ बी वन क्रॉस बी टू का जो आंसर आया वो हम लिखेंगे, बस सिंपल इतना। ये मिल गया हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, और ये जो लाइंस होगी अभी समझ डिफरेंट प्लेन में, मतलब इसको बोलते हैं हम स्क्यू लाइंस, डिफरेंट प्लेन में इसलिए हम बोलते हैं इसको स्क्यू लाइंस। अब थोड़ी बात करते हैं डिटेल में, कोई समय ऐसा पूछा है अगर बोर्ड में प्रूव दैट लाइंस आर स्क्यू लाइंस, तो हमें सिर्फ स्टेप वन करना है, क्या करना है अभी, टू प्रूव स्क्यू लाइंस, टू प्रूव स्क्यू लाइंस ऐसा पूछा है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ हम सिर्फ स्टेप वन करेंगे भाई, स्टेप वन फाइंड करेंगे ये वाला, और वो हमें मिलेगा नॉट इक्वल टू जीरो। इसका आंसर क्या होगा, नॉट इक्वल टू जीरो। ये कंडीशन भी हो गई एक तरीके से, क्या कंडीशन हो गई, ए वन माइनस ए टू डॉट बी वन क्रॉस बी टू नॉट इक्वल टू जीरो, देन लाइंस आर स्क्यू लाइंस, अदरवाइज अगर जीरो आ गया, अगर ये जीरो बन गया तो हम बोल सकते हैं इसको इंटरसेक्टिंग लाइंस। फिर से समझ बेटा एक बार, ये पूरा सम बोर्ड में आ सकता है, हमें इंटरसेक्शन मिलेगा, तो ये हो गई हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये टॉपिक टेक्स्ट बुक में नहीं दिया हुआ है, पर पूछते हैं बोर्ड में सम्स, बोर्ड में कभी कभी इसके सम पहले भी पूछे हुए हैं। तो ए वन माइनस ए टू डॉट बी वन क्रॉस बी टू नॉट इक्वल टू जीरो, लाइंस आर स्क्यू लाइंस, नॉट इक्वल टू जीरो स्क्यू लाइंस, इक्वल टू जीरो इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्शन मिलेगा हमें, अंडरस्टूड। अगर नॉट इक्वल टू जीरो मिला तो ही डिस्टेंस पॉसिबल है, और वो मिलेगा मुझे स्टेप वन अपॉन स्टेप टू का मॉड्यूलस। चलो बेटा एक बार ये यहाँ पे सम समझ लेते हैं। अच्छा एमसीक्यू की बात करें, ये जो समझाया मैंने अभी वही लिखा है, देखो यहाँ पे ऊपर डिटर्मिनेंट फॉर्म और नीचे मॉड्यूलस का फॉर्म, तो ये भी एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की फॉर्मूला लिखी है, पर कार्टेशियन फॉर्म में लिखी है उन्होंने, समझ लो ऐसा, बराबर। चलो इसके ऊपर हम आएंगे, इसके ऊपर एग्जाम्पल 12 करेंगे तब आएंगे, पहले हम एग्जाम्पल 11 की बात कर लेते हैं। देखो अभी जो समझाया मैंने वो सब कुछ यहाँ पे फॉलो करो, एक बार आपने नोटबुक में लिखा है तो फटाफट से एक बार चेक कर लो। हमें यहाँ पे दो लाइन्स दी है, फर्स्ट लाइन एंड सेकेंड लाइन, उसमें से सभी स्पेयर पार्ट्स फाइंड कर लो, बराबर। तो ये रहा हमारा ए वन, ये हो गया हमारा ए टू, बराबर बेटा। फिर इसके बाद लैम्बडा के बाजू में ये हो गया हमारा बी वन, ये हो गया हमारा बी टू, क्लियर। चलो तो क्या किया हमने, पहले ए वन माइनस ए टू फाइंड कर दिया, या ए टू माइनस ए वन, फिर करेंगे अब हम बी वन क्रॉस बी टू, क्रॉस मतलब इट इज कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट, इसको हम बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, और उसका मतलब होता है डिटर्मिनेंट, तो फर्स्ट रो आई जे के, फिर ये बी वन और ये बी टू, बी वन क्रॉस बी टू फाइंड कर लिया हमने, बराबर। थ्री आई माइनस जे माइनस सेवन की आता है, अब निकाल दिया यहाँ पे स्टेप टू की बात की, अब निकाल दिया इसका मॉड्यूलस निकाल दिया, मॉड्यूलस मतलब अंडर रूट में स्क्वायर, तभी के तो थ्री का स्क्वायर नाइन माइनस वन का स्क्वायर वन, सेवन का फोर्टी नाइन, रूट फिफ्टी नाइन मिल गया। तो अब हम क्या करेंगे, बस सिंपल, अब हम करेंगे यहाँ पे सीधा बी वन क्रॉस जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करेंगे, ये रही फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या थी, ए टू माइनस ए वन डॉट बी वन क्रॉस बी टू, बराबर ए टू माइनस ए वन, ये रहा देखो ए टू माइनस ए वन, मतलब वन जे नहीं है जीरो, और के माइनस वन, डॉट प्रोडक्ट लेंगे हम किसके साथ, बी वन क्रॉस बी टू के साथ, मतलब इसके साथ लेंगे थ्री माइनस वन माइनस सेवन के साथ, डॉट प्रोडक्ट का मतलब होता है रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स, पहला पहला करो मल्टीप्लाई, तो वन थ्री जा थ्री प्लस जीरो और प्लस सेवन, क्योंकि माइनस वन माइनस सेवन सेवन हो गया यहाँ पे, ये बन जाएगा हमारा थ्री प्लस सेवन टेन, टेन अपॉन रूट फिफ्टी नाइन, अंडरस्टूड, समझ गए। फिर से एक बार
पहले ए टू माइनस सी वन करेंगे, उसके बाद पहले हमने किया ए टू माइनस सी वन, उसके बाद हमने बी वन क्रॉस बी टू किया, फिर हम करेंगे मोड ऑफ बी वन क्रॉस बी टू, उसके बाद फॉर्मूले में डाल द वैल्यू, तो ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दिया किसका, ए टू माइनस सी वन इंटू बी वन क्रॉस बी टू का, और आ गया आंसर। क्लियर? तो ऐसे बहुत सारे सम्स है, मैं वो दिखा देता आपको, पहले हम वो देख लेते। 11.2 एक्सरसाइज निकालो। 11.2 एक्सरसाइज में यहाँ से देखो, क्वेश्चन नंबर 14 से लेके लास्ट तक सभी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के क्वेश्चन है। तो अभी आप वीडियो पॉज कर दो, इनमें से कोई भी क्वेश्चन उठाओ और करो ऐसे ही। क्लियर? चलो वीडियो पॉज करके इसका काम शुरू कर दो। तो 14 से लेके 17 इसके ऊपर ही है। अब बढ़ते हैं हम आगे। जो सबसे मेरी, मैं बोल रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन है रेयर क्वेश्चन है सबसे, सिर्फ एग्जांपल नंबर 12 में दिया हुआ है, पूरी टेक्स्ट बुक में एग्जांपल नंबर 12 में ही दिया हुआ है, और कई बच्चों का ध्यान जाता भी नहीं। अब ये जो हमारा यहाँ पे एग्जांपल नंबर 12 है, वो भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। देखो ध्यान से पढ़ो, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन लाइन्स दिस एंड दिस। तो यहाँ पे आपने ध्यान से देखा होगा, बी वन बार और बी टू बार दोनों सेम है। बी वन बार बी टू बार जब दोनों सेम होंगे, मतलब डायरेक्शन सेम है, तो मीन्स लाइन्स होगी हमारी पैरेलल लाइन्स, और इसके बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है हमें, ये समझ गए। तो उसकी फॉर्मूला मैंने ऊपर बोला था आपको, बाद में करेंगे, अब वो उसका समय आ गया। ये रही फॉर्मूला इसकी, बी क्रॉस ए टू माइनस ए वन ऑन मोड बी। चलो समझते हैं वो क्या है। तो जैसे यहाँ पे ए बार, ए वन बार ले लो, ए वन बार क्या होगा, आई प्लस टू जे माइनस फोर के फर्स्ट लाइन, ए टू बार हो गया हमारा थ्री आई प्लस थ्री जे माइनस फाइव के, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, ए टू माइनस ए वन, ए टू माइनस ए वन, थ्री माइनस वन टू आई कैप लिखना, प्लस थ्री जे माइनस टू जे, जे कैप माइनस फाइव प्लस फोर माइनस वन के कैप, माइनस फाइव प्लस फोर माइनस वन के कैप, ए टू माइनस ए वन मिल गया। और बी वन बार इक्वल टू बी टू बार है, उसको बोल लेंगे हम बी बार। तो नाउ इन दोनों को करेंगे हम यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट, तो बी बार क्रॉस ए टू माइनस ए वन करेंगे, तो वो हो जाएगी हमारे, देखो यहाँ पे समझाया था मैंने, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे कैसे, आई जे कैसे करते हैं हम क्रॉस प्रोडक्ट, और बी बार कोई भी ले लो, मतलब की है टू थ्री सिक्स, और ए टू माइनस ए वन अभी फाइन किया हमने, थ्री थ्री माइनस फाइव, इसको हम एक्सपांड करेंगे और जो आंसर मिलेगा, जैसे यहाँ पे देखो ये रहा, उसका आंसर मिला मुझे माइनस नाइन फोर्टीन माइनस फोर। क्लियर? इसका आंसर मिल गया हमें माइनस नाइन आई प्लस फोर्टीन जे माइनस फोर के। तो ये मुझे मिल गया फॉर्मूला का ऊपर का पार्ट मिल गया। अब नीचे होता है डिनोमिनेटर, वो तो क्या होगा, सिंपली मोड बी। ये जो सम है, एक ही सम दिया हुआ टेक्स्टबुक में, इसलिए सबका ध्यान जाता नहीं है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा हमारे लिए। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस पूछा हो तो ये करेंगे, और ऐसा पूछा है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस तो भी ऐसे करेंगे, और कई बार कंफ्यूज करने के लिए बोर्ड में ऐसा करेंगे। यहाँ पे ये सब में देखो, ये सब में यहाँ पे दोनों सेम है, ऐसा भी हो सकता है कि हमें यहाँ पे दोनों, ध्यान से यहाँ पे ऐसा देंगे कि फोर आई प्लस सिक्स जे प्लस ट्वेल्व के, हमें यहाँ पे ऐसा भी दे सकते हैं फोर आई प्लस सिक्स जे प्लस ट्वेल्व के। तो एक दूसरे के जब भी मल्टीपल हो, देखो इसको इसको टू से मल्टीप्लाई करेंगे ये मिलेगा, तो भी लाइंस पैरेलल ही गिन जाएगी, तो भी लाइंस हम पैरेलल ही काउंट करेंगे, और उसमें ये फॉर्मूला लगा देंगे। तो बेटा 11.2 में देखो पहले वाले सम्स में क्या करना है, तो पहले से देखते हम, जब भी ऐसा वर्ड आए, शो दैट,
शो दैट लाइन्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, हमें ऐसा दिखाना है कि दो लाइन्स परपेंडिकुलर है। अगर परपेंडिकुलर दिखानी है, दोनों लाइन को हमें परपेंडिकुलर प्रूव करना हो, तो क्या करेंगे, दोनों की डायरेक्शन मतलब बी वन लेंगे, बी वन डायरेक्शन डॉट डायरेक्शन बी टू, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, डॉट दिखा देंगे, डॉट प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, सिंपल। ये वेक्टर वाला कंसेप्ट ही है, बराबर। दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर प्रूव करना हो तो हम क्या करते हैं, दोनों का डॉट प्रोडक्ट दिखाते हैं जीरो। तो यहाँ पे सिमिलरली बी वन डॉट बी टू इक्वल टू जीरो दिखा देंगे। जब भी ऐसा वर्ड आए शो दैट टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, तो हम दिखा देंगे डॉट प्रोडक्ट जीरो। लिख लो बाजू में ध्यान से, अच्छी तरह से प्रूव करना पूछा वेक्टर में या लाइन में, तो हम दिखा देंगे डॉट प्रोडक्ट जीरो। तो फटाफट से आप देख लो यहाँ पे, ये जो है यहाँ पे डायरेक्शन वन, डायरेक्शन टू, डायरेक्शन थ्री, तो हम दिखा देंगे यहाँ पे पहले बी वन डॉट बी टू इक्वल टू जीरो, बी टू डॉट बी थ्री इक्वल टू जीरो, एंड बी थ्री डॉट बी वन इक्वल टू जीरो। अब आपको पता है कैसे करना है, सिंपली डॉट प्रोडक्ट मतलब सिंपली मल्टीप्लिकेशन करना है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू, शो दैट लाइन्स पासिस थ्रू दिस पॉइंट इज परपेंडिकुलर टू दिस पॉइंट। तो सिम ऊपर वाला सम हो गया, पर अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसा दिखाना है हमें कि ये जो दोनों लाइन है दोनों पॉइंट में से, क्वेश्चन नंबर टू की बात करें, समझ लो ये रहा पॉइंट ए एंड बी जो हमें दिए यहाँ पे, इसको नाम दे देते, ये सपोज ये पॉइंट ए है पहला, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। तो हमें क्या मिलेगा, इन शॉर्ट वेक्टर ए बी फाइंड करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं ये पॉइंट सी दिया हुआ है और ये पॉइंट डी दिया हुआ है, तो हम स्टेप्स करेंगे यही फॉलो। तो स्टेप वन, वेक्टर ए बी फाइंड करो, दो पॉइंट दिए हैं तो क्या करना है बेटा, दो पॉइंट दिया है मतलब सब्ट्रैक्शन, डायरेक्शन फाइंड करने के लिए, तो बी माइनस ए कर दो, पॉइंट बी माइनस पॉइंट ए करो, क्लियर। और पॉइंट बी माइनस पॉइंट ए को क्या देगा, आपको देगा थ्री माइनस वन, देखो ध्यान से, टू, फिर फोर माइनस माइनस वन फाइव, माइनस टू माइनस टू माइनस फोर। नाउ सेकेंड लाइन की बात करें, सीढ़ी अपने आप सोच लो, चलो मैं सिर्फ लिखता हूँ, आप सोचो अपने आप, देखो आपका आंसर थ्री टू फोर आ गया। बस अब हमें दिखाना है दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, तो ऊपर बात हुई वो ए बी डॉट प्रोडक्ट सी डी दिखा देंगे जीरो। चलो चेक करो, थ्री टू ज़ा सिक्स प्लस फाइव टू ज़ा टेन एंड माइनस सिक्सटीन विच इज इक्वल टू जीरो। देयरफॉर क्लियरली लाइन ए बी परपेंडिकुलर टू लाइन सी डी, अंडरस्टूड। चलो तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री के ऊपर, शो दैट लाइन्स, सब कुछ सेम जा रहा है, देखो दो पॉइंट में से लाइन पास करनी है हमें, दो पॉइंट में से हम लाइन पास करेंगे और दिखाना है कि ये दोनों लाइन हमें दिखानी है पैरेलल है, बराबर बेटा। पैरेलल दिखाना हो तो भी स्टार्टिंग में बात हुई थी हमारी, रेशियो सेम दिखा देंगे। तो चलो फटाफट से अपने आप ट्राई करो, पहले फाइंड करो लाइन ए बी मतलब वेक्टर ए बी डायरेक्शन फाइंड करो, डायरेक्शन ऑफ ए बी, फिर ये डायरेक्शन ऑफ सी डी, दोनों की डायरेक्शन फाइंड करेंगे और क्या आता है देखो फटाफट से, टू माइनस फोर माइनस टू, थ्री माइनस सेवन माइनस फोर, फोर माइनस एट माइनस फोर, सी डी, सी डी मतलब वन माइनस माइनस वन टू, टू माइनस माइनस टू प्लस फोर एंड फाइव माइनस वन फोर। चलो क्लियरली देखो डायरेक्शन रेशियोज सेम आ रहे हैं, माइनस टू अपॉन टू इक्वल टू माइनस फोर अपॉन फोर इक्वल टू माइनस फोर अपॉन फोर विच इज इक्वल टू माइनस वन, देयरफॉर लाइन्स आर पैरेलल लाइन्स, अंडरस्टूड। चलो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर पे जाओ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिस थ्रू, अब से मैंने पहले पढ़ाया था आपको, याद रखो, क्या याद करवाया था, ऐसा वर्ड है कहीं भी फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, तो आपके दिमाग में क्या स्ट्राइक होनी चाहिए,
आपके दिमाग में स्ट्राइक होनी चाहिए, अपने आप से क्वेश्चन पूछो कि मेरे पास लाइन के ऊपर वाला पॉइंट है, मेरे पास वो लाइन की डायरेक्शन है, तो आंसर मिल गया। तो यहाँ पे वही सोचना है मुझे कि मेरे पास डायरेक्शन है कि नहीं और मेरे पास पॉइंट है कि नहीं। तो यहाँ पे सब कुछ है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो, आपको सब कुछ मिल जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर फोर में, अब मैं क्वेश्चन फोर ऐसे क्वेश्चन पहले एग्जाम्पल में कर दिया था, सिर्फ समझाता हूँ मैं आपको। देखो पासिस थ्रू मतलब हमें ए बार दिया हुआ है, पैरेलल टू वेक्टर मतलब ये बी बार दिया हुआ है। इक्वेशन क्या था याद करो भाई, आर बार इक्वल टू ए बार प्लस लैम्बडा बी बार, सिंपली पुटिंग द वैल्यूज। और इसको हमेशा आई जे के फॉर्म में लिखेंगे आंसर को, याद रखो वेक्टर फॉर्म इसलिए। अब ऐसा पूछा हो कि फाइंड कार्टेशियन फॉर्म, तो उसके नेक्स्ट क्वेश्चन वही है फिफ्थ। देखो फाइंड द कार्टेशियन फॉर्म मतलब वही काम करेंगे, एक्स माइनस पासिस थ्रू कौन सा ये, तो ये जो है यहाँ पे पॉइंट, पॉइंट हमेशा ऊपर आएगा बाजू में, तो एक्स माइनस टू डायरेक्शन दी हमें यहाँ पे, वन टू माइनस वन, पॉइंट क्या है टू माइनस वन फोर, तो एक्स माइनस टू अपॉन वन इक्वल टू वाई प्लस वन, वाई प्लस वन अपॉन टू इक्वल टू जेड माइनस फोर अपॉन माइनस वन। तो ये मिल गया मुझे कार्टेशियन फॉर्म और ये मिला मुझे वेक्टर फॉर्म, क्लियर। क्वेश्चन नंबर फोर में ये था, क्वेश्चन नंबर फाइव में भी यही है, क्वेश्चन नंबर सिक्स में भी सेम काम करना है। देखो क्वेश्चन नंबर सिक्स मतलब क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन सिक्स क्वेश्चन फोर ही है, सॉरी क्वेश्चन सिक्स क्वेश्चन नंबर फोर ही है, ध्यान रखो कैसे। तो यहाँ पे देखो पॉइंट दिया हुआ है और पैरेलल दिया हुआ है, पैरेलल टू लाइन है, लाइन को पैरेलल मतलब दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। तो ये जो नीचे वाला है मेरे पास, ये मेरे पास बी बार है और ये है मेरा ए बार, और यहाँ पे ऐसे दोनों फॉर्म मिल सकते हैं हमें, वेक्टर और कार्टेशियन। यहाँ तक क्लियर हो गया, चलो आगे। क्वेश्चन नंबर सेवेंथ, क्वेश्चन नंबर सेवेंथ कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन, तो चलो यहाँ से पॉइंट फाइंड करो बेटा, पॉइंट कौन सा होगा फाइव, फिर फोर, फिर माइनस एट, और डायरेक्शन, डायरेक्शन मेरे पास यहाँ पे थ्री आई प्लस फाइव जे प्लस सिक्स के, बस अब हमें मिल गया आर बार इक्वल टू ए बार मतलब फाइव आई प्लस फोर जे माइनस एट के प्लस लैम्बडा इंटू ये, अंडरस्टूड। क्वेश्चन नंबर एट एग्जांपल में आ चुका है, सेम टू सेम क्वेश्चन एग्जांपल का ही है। क्वेश्चन एट में देखो यहाँ पे दो पॉइंट में से लाइन पास करनी है, तो पता है आपको क्या करना है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिस थ्रू ओरिजिन मतलब एक पॉइंट जीरो जीरो जीरो, दूसरा पॉइंट फाइव माइनस टू थ्री। तो क्वेश्चन क्या था याद करो, पहले दो पॉइंट दिए हैं पी एंड क्यू, दो पॉइंट दिए पी एंड क्यू, तो हम क्या करेंगे डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन इक्वल टू क्यू माइनस पी, सीधा मिल जाएगा, डायरेक्शन मिल गई और पॉइंट कोई भी ले सकते हैं पी और क्यू में से। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन क्या मिल गया मुझे, आर बार इक्वल टू ए बार प्लस लैम्बडा टाइम्स बी बार, ये रहा मेरा बी बार और इन दोनों में से कोई भी एक ए बार, तो हमेशा ओरिजिन ही लेंगे, कॉमन सेंस की बात है, जीरो 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 है तो, अंडरस्टूड। आपको लग रहा है कि थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ मैं, तो हाँ जा रहा हूँ, क्यों, बोर्ड के एग्जाम के लिए हम रिवीजन कर रहे हैं, बराबर, तो अपने आप थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा आपको। क्या मज़ा आ रहा है तो आप लिख लीजिए कॉमेंट में कि मज़ा आ रहा है, बराबर बच्चों। तो चलो अब हम आगे जाते हैं, नेक्स्ट नंबर नाइन्थ, सेम क्वेश्चन नंबर नाइन्थ, अब अपने आप ट्राई कर लो एक बार। चलो ऊपर मैंने पूरी प्रोसेस लिखी हुई है, फाइंड द इक्वेशन कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिस थ्रू टू पॉइंट्स, वर्ड देखो कार्टेशियन इक्वेशन पूछा है, ध्यान रखो मतलब ये वाले फॉर्म में आंसर लाना है हमें, समझ गए, ऐसा कोई फॉर्म में आंसर लाएंगे, ऐसा कुछ आंसर आएगा, क्लियर। चलो नेक्स्ट, अब क्वेश्चन नंबर 10, 11,
क्वेश्चन नंबर 10-11, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन. तो अभी हमने आगे सीखी थी फॉर्मूला कॉस थीटा इक्वल टू बी वन डॉट बी टू अपॉन मोड ऑफ बी वन इंटू मोड ऑफ बी वन बार इंटू मोड ऑफ बी टू बार. एक बार फटाफट से चारों में से कोई भी एक सम कर लेते हैं, चारों में से कुछ सेम ही करना है. क्वेश्चन 10th में वेक्टर फॉर्म है, 11th में कार्टेशियन फॉर्म है, ठीक है. तो कोई भी क्वेश्चन सिलेक्ट करते हैं, सब जो ऐसे सेम फॉर्म में ही है, चलो वही ले लेते. तो ये रहा मेरा बी वन बार, ये मेरा बी वन और ये मेरा बी टू. अरे आगे एग्जाम्पल किया था मैंने, अपने आप ट्राई करके देख लो, एक बी वन डॉट बी टू क्या आएगा. मैं लिखता हूँ आंसर और आप अपने आप अपनी बुक में आंसर लिखो. क्लियर? तो आपको मिलेगा कॉस थीटा इक्वल टू इसका जो भी वैल्यू मिला वो, और जो वैल्यू मिलेगा यहाँ पे आंसर आएगा एंगल मतलब थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स जो भी आपका आंसर आया वो. तो ये हमारा जो आंसर है वो एंगल बिटवीन टू लाइंस हो गया. अब ये क्वेश्चन नंबर 12 है. वैसे 99% बच्चे गलतियाँ करते हैं क्वेश्चन करने में, सॉल्व करने में. पढ़ो पहले क्वेश्चन पढ़ो और अपने आप सोचो आपने सही सोचा, फिर मैं आपको समझाता हूँ. यहाँ पे ये समझा रहा है ऐसा कि दो लाइंस परपेंडिकुलर है, राइट एंगल मतलब परपेंडिकुलर पे है, हमें सिर्फ पी फाइंड करना है. तो हमने आगे बात की थी अगर दोनों लाइन परपेंडिकुलर है तो मतलब क्या करेंगे, सिंपल बी वन बार डॉट बी टू बार इक्वल टू ज़ीरो. बी वन बार डॉट बी टू बार इक्वल टू ज़ीरो हो गया, मतलब दोनों लाइन परपेंडिकुलर है. तो यहाँ पे ऑलरेडी हमें ये दे दिया हुआ है, यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि बी वन बार डॉट बी टू बार ज़ीरो है, हमें सिर्फ पी फाइंड करना है. चलो आप ट्राई कर लो, वीडियो पॉज करके ट्राई करो और चेक करो कि आपने मेरे साथ या और मेरे साथ जो आंसर है उसका चेक करो, टैली करो मेरा आंसर और आपका आंसर. वीडियो पॉज कर दो पहले. चलो अब यहाँ पे जो मैं समझा रहा हूँ, आपने कन्वर्ट किया स्टैंडर्ड फॉर्म में, अपने आपसे क्वेश्चन पूछो, ये जो यहाँ पे दिया हुआ है वो स्टैंडर्ड फॉर्म है. स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, मैं यहाँ पे हाईलाइट करता हूँ ब्लू से. देखो ये वाला पार्ट स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्लियर? ये वाला पार्ट स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म. पहले एक्स होगा, एक्स वाई जेड, यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है. ये जो हमारा सम है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो हम करेंगे पहले कन्वर्ट. तो हम लाइन वन को करते हैं कन्वर्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में. तो वन माइनस एक्स अपॉन थ्री, तो मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय माइनस वन. सेकेंड पार्ट देखो यहाँ पे सेवन वाई है, हमें सिर्फ वाई चाहिए, मतलब वाई का कोफिशियंट सेवन है, तो डिवाइडिंग बाय सेवन, डिवाइडिंग बाय सेवन करो. नेक्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म है जेड, वो हमारा स्टैंडर्ड ही है. अब ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म. सिमिलरली सेकेंड लाइन की बात करो, सेकेंड लाइन सेवन माइनस सेवन एक्स स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, तो डिवाइडिंग बाय माइनस सेवन कर दो, डिवाइडिंग बाय माइनस सेवन. वाई ऑलरेडी है, जेड नहीं है, तो डिवाइडिंग बाय माइनस वन करो. बस अब हमारा काम हो गया. तो मुझे अब मिल गया बी वन बार. तो बी वन बार क्या है, यहाँ पे देखो माइनस थ्री टू पी अपॉन सेवन टू, डायरेक्शन रेशियो ऑफ फर्स्ट लाइन बी वन मुझे मिल गई, डायरेक्शन रेशियो ऑफ सेकेंड लाइन बी टू मेरे पास माइनस थ्री पी बाय सेवन
वन माइनस फाइव, तब पता है हमें क्या करना है, बी वन डॉट बी टू इक्वल टू जीरो दिया हुआ है क्योंकि ऑलरेडी गिवन दैट परपेंडिकुलर है, ऐसा दिया हुआ है, गिवन है, तो अब दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे और वो जीरो आएगा, जीरो ले लेंगे सॉरी, तो माइनस थ्री इंटू माइनस थ्री पी बाय सेवन प्लस टू पी बाय सेवन इंटू वन और प्लस टू इंटू माइनस फाइव इक्वल टू जीरो ले लेंगे और अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा p, मिल गया p की वैल्यू। अब फाइंड कर लो क्रॉस मल्टी, मतलब एलसीएम एलसीएम लेके फाइंड कर देंगे यहाँ से। मेन पार्ट ये कि आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया कि नहीं, p यहाँ से 70 बाय 11 ऐसा कुछ आ रहा है, क्लियर। तो ये सम इम्पोर्टेंट है क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म है कि नहीं, बोर्ड के एग्जाम में कल ध्यान रखना कि जो भी एमसीक्यू या ऐसा कुछ सम पूछा है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होगा तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। पहले सीधा मत शुरू हो जाना सम देख के कि ये तो मुझे आता है, यस यस मेरा फेवरेट क्वेश्चन आ गया, ऐसा नहीं। पहले स्टैंडर्ड फॉर्म है कि नहीं वो देखो, अंडरस्टूड। और 14, 15, 16, 17 शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाले सम्स हैं, वो हमने एग्जाम्पल की आगे वैसे ही करना है, क्लियर। तो 11.2 हमारा हो गया कंप्लीट। अब हम जाएंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज के ऊपर जहाँ पे लाइंस के क्वेश्चन है वो दिखेंगे, और इसके बाद दो तीन क्वेश्चन और दिखेंगे जो बोर्ड में पहले पूछे गए हैं पर हमारे टेक्स्ट बुक में नहीं है, और मुझे लगता है उसमें वो टाइप के सम्स आ सकते हैं बोर्ड में। तो चलो बेटा अब शुरू करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज जिसमें काफ़ी सारे सम्स रिपीट है। एक बार आप कंसेप्ट रिवाइज कर लो परपेंडिकुलर वाला, फिर दो पॉइंट में से लाइन पास हो रही है वो सब कुछ वही का वही होगा, दो तीन सम में डिफरेंट है बाकी सब कुछ सेम जा रहा है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन शो दैट द लाइन जॉइनिंग दिस टू पॉइंट्स इज परपेंडिकुलर टू दिस टू पॉइंट्स, ताकि यह सम किया था हमने 11.2 में। हम क्या करेंगे, ए बी वैक्टर ए बी मीन्स डायरेक्शन ए बी डायरेक्शन सी डी और दोनों का डॉट प्रोडक्ट दिखा देंगे जीरो, रिपीट हो गया। क्वेश्चन नंबर टू, अच्छा क्वेश्चन है, इफ एल वन एम वन एन वन एंड एल टू एम टू एन टू आर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन्स शो दैट डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ दिस आर दिस दिस एंड दिस। ये सम समझने में थोड़ा कठिन है पर आप समझो एकदम सिंपल, मैं समझाता आपको एकदम सिंपल तरीके से। ये जिसका सॉल्यूशन जो दिया होगा कई सारे ऑनलाइन वो डिफिकल्ट है थोड़े, तो इसके लिए मैं आपको देता ब्रह्मास्त्र टेक्निक। क्या आपने बिल्कुल सही सुना, ब्रह्मास्त्र टेक्निक मैं आपको दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर टू के लिए। यहाँ पे वर्ड पे ध्यान दो, वर्ड ऐसे बहुत सारे सम्स आएंगे, लाइन परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ लाइंस, मतलब जब भी ऐसा दिया हो कि बोथ ऑफ द लाइंस तो हमेशा दोनों लाइन के डायरेक्शन कोसाइन का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे। क्या क्रॉस प्रोडक्ट, मतलब मेरी फिगर देखो यहाँ पे जो मैंने यहाँ बना रहा बाजू में, कि जैसे यहाँ पे एक जो लाइन है ये लाइन, ये इन दोनों को परपेंडिकुलर है, तो सपोज ये मेरा ए बार है ये बी बार है, तो ये जो रिक्वायर्ड लाइन है रिक्वायर्ड डायरेक्शन वो होगी हमेशा ए बार क्रॉस बी बार। कैमरा में देखो जैसे ये रहा थंब, दिस थंब इज परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ दिस, तो हमेशा थंब इज व्हाट, थंब इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ लाइन वन, मतलब फिंगर वन एंड फिंगर टू, समझ गए, थंब इज परपेंडिकुलर टू बोथ, याद रखो ब्रह्मास्त्र टेक्निक। कोई भी सम वेक्टर में आए या लाइन में आए ऐसा वर्ड यूज किया होगा, रिक्वायर्ड लाइन रिक्वायर्ड वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ दिस ईच ऑफ दिस, तो हम ये काम करेंगे, क्लियर। चलो तो फटाफट से अब हम सम शुरू कर दें यहाँ पे, तो ये सम देखो हम अब करते हैं शुरू। तो मेरे पास डायरेक्शन वन डायरेक्शन कोसाइन,
डायरेक्शन कोसाइन ऑफ फर्स्ट लाइन विच इज L1 M1 N1 है, और डायरेक्शन कोसाइन ऑफ सेकेंड लाइन इज L2 M2 N2 है। रिक्वायर्ड लाइन इज परपेंडिकुलर टू बोथ लाइन्स। मतलब हम क्या करेंगे, तो रिक्वायर्ड डायरेक्शन समझ लो, सपोज L बार इज इक्वल टू व्हाट, I J K L1 M1 N1 and L2 M2 N2। समझ के फिर से एक बार समझो, रिक्वायर्ड लाइन L बार इज परपेंडिकुलर टू बोथ B1 बार एंड L बार इज परपेंडिकुलर टू B2 बार। therefore L बार क्या बन जाएगा, L बार इक्वल टू B1 बार क्रॉस B2 बार बन जाएगा, और क्रॉस प्रोडक्ट मतलब डिटरमिनेंट। चलो सॉल्व करो बेटा अब इसको, I into ये क्या होगा, M1 N2 minus M2 N1 माइनस जे कैप इंटू L1 N2 minus L2 N1 एंड प्लस के कैप इंटू L1 M2 minus L2 M1। therefore direction cosine equal to M1 N2 minus M2 N1 comma L1 N2 minus L2 N1 comma लास्ट आंसर जो भी आया कॉमा L1 M2 minus L2 M1। देखो ध्यान से, तो ये मुझे यहाँ पे मिल गया, ये जो मेरा आंसर था वो मिल गया मुझे, हेंस प्रूव्ड। ये तो प्रूव करना है ना, देखा मैजिक कितना इजी है ये, अगर एक बार समझ गया आप तो कितना इजी है। जब भी ऐसा वर्ड आए लाइन परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ दिस, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, आंसर आ गया। क्लियर, ऐसा क्वेश्चन लास्ट में है तो हम जाते हैं वो क्वेश्चन के ऊपर। देखो लास्ट में ऐसा क्वेश्चन है, एक बार ये सब कुछ देख लो अब, और लास्ट में क्वेश्चन नंबर 17 के बाद आई थिंक है, क्वेश्चन नंबर आई थिंक 20 क्वेश्चन नंबर 20 इसको भी हम बहुत सिंपल तरीके से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 को देखो, क्वेश्चन 20, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 1, 2, -4 एंड परपेंडिकुलर टू टू लाइंस दिस एंड दिस। बराबर, समझो यहाँ पर इसका मतलब क्या हो गया, ये मेरा थंब है, ये थंब हमें दिया हुआ है, और थंब परपेंडिकुलर है फर्स्ट लाइन को, और थंब परपेंडिकुलर है दूसरी लाइन को। ये ब्लू कलर जो ड्रॉ किया है मैंने, थंब है मतलब, अप्लाई करेंगे हमारा थंब रूल क्या था, तो रिक्वायर्ड डायरेक्शन इक्वल टू B1 बार क्रॉस B2 बार। दैट्स ऑल। तो यहाँ पे आई जे के, क्वेश्चन समझ गए आप, ये रहा हमारा B1 और ये हो गया हमारा B2। क्लियर, तो मतलब ये हो गई हमारी फर्स्ट रो 3 -16 7, उसके बाद 3 8 -5, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया। चलो सो I into 16 5 80 56 -J into -15 -21 एंड प्लस ई कैप इंटू 8 3 24 प्लस 48 इक्वल टू आई कैप इंटू 80 -56 24 -, प्लस कर दो यहाँ पर जे कैप को, और 15 + 6 = 36 और प्लस के कैप 48 72
तो ये मुझे मिल गया रिक्वायर्ड डायरेक्शन, मतलब जो परपेंडिकुलर लाइन है उसकी डायरेक्शन मुझे मिल गई। तो मतलब मुझे मिल गया यहाँ पे बी बार मिल गया। मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको, स्टार्टिंग से बताया हुआ है, इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, पॉइंट ऑन द लाइन एंड बी बार चाहिए। तो मुझे बी बार मिल गया और ऑलरेडी मुझे यहाँ पे ए बार तो दिया हुआ ही है, 1 to -4। देयरफॉर वर आंसर, देयरफॉर रिक्वायर्ड लाइन, देयरफॉर रिक्वायर्ड लाइन इक्वल टू आर बार इक्वल टू ए बार प्लस लैम्ब्डा टाइम्स बी बार। देयरफॉर आर बार इक्वल टू, जो यहाँ पे ए बार लिखेंगे हम पॉइंट के फॉर्म वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, तो 1 to -4 जो हमारा पॉइंट है वो जाएगा आई प्लस 2j -4k प्लस लैम्ब्डा टाइम्स 24i प्लस 36j एंड प्लस 72k। ये हमारा आंसर है। और ऐसा भी कर सकते हैं, बुक में ऐसा आंसर दिया होगा i प्लस 2j -4k, यहाँ से कॉमन निकाल देंगे हम, 24, 36 और 72 में से कॉमन निकालेंगे 12, तो 12 लैम्ब्डा को हम अज्यूम कर लेंगे म्यू, तो ये बन जाएगा यहाँ पे 2i प्लस 3j प्लस 6k। तो ये मुझे मिल गया फाइनल आंसर। सिर्फ क्वेश्चन को समझो, पकड़ो कंसेप्ट क्या है। तो यहाँ पे कंसेप्ट हमारा है रिक्वायर्ड लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिस दिस एंड परपेंडिकुलर टू टू लाइंस। ये ब्रह्मास्त्र वर्ड पकड़ लो भाई, दोनों को परपेंडिकुलर। तो ये मुझे मिल जाएगी सीधी शॉर्टकट तरीके से डायरेक्शन, सीधा डायरेक्शन मुझे मिल गया बी बार। बी बार मिल गया, ए बार ऑलरेडी दिया हुआ है, इक्वेशन ए बार प्लस लैम्ब्डा टाइम्स बी बार आ गया आंसर। क्लियर? तो ये क्वेश्चन 3 मार्क्स ज़्यादा ही आ सकता है। अंडरस्टूड? चलो अब आ जाते हैं ऊपर, ऊपर वाला जो क्वेश्चन हम कहाँ तक पहुँचे थे, हम पहुँचे थे क्वेश्चन नंबर 2 तक। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन पढ़ो क्या है, फाइंड द एंगल, एंगल बिटवीन दिस एंड दिस। बस सिंपल क्या करेंगे, कॉस थीटा, गुड हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये कैसी बात हो गई, एक लाइन पास हो रही ओरिजिन में से, ये मैंने बना दिया एक्स वाई जेड एक्सिस, चलो समझो फिगर में ऐसे ओरिजिन से पास होगी और एक्स को पैरेलल होगी, मतलब एक्स एक्सिस इटसेल्फ बन गया भाई, तो आवर आंसर इज एक्स एक्सिस, बराबर। तो डायरेक्शन क्या होती है, आर बार इक्वल टू ए बार प्लस लैम्ब्डा बी बार, समझे ऐसा। यहाँ पे ए बार मतलब पासिस टू ओरिजिन, तो 0 बार मतलब 0 प्लस लैम्ब्डा इंटू बी बार। एक्स एक्सिस डायरेक्शन क्या होती है, आई कैप। आंसर आ गया मेरा आर बार इक्वल टू लैम्ब्डा आई कैप, मीन्स आर बार इक्वल टू आई कैप सिर्फ। क्लियर? आर बार इक्वल टू आई कैप, सीधा आंसर ही आ गया हमारा। या ऐसा लिखो तो भी चलेगा, सीधा एक्स एक्सिस इन शॉर्ट। तो फाइनल आंसर इक्वल टू आर बार इक्वल टू लैम्ब्डा, क्यों लिखेंगे नहीं, क्योंकि लैम्ब्डा एक्स को हो गया हमारा पैरेलल सिंपल, तो आर बार इक्वल टू आई कैप हमारा आंसर। क्लियर? चलो आगे नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5
if the coordinates of ABCD are this, find angle between. अब सिंपल एंगल बिटवीन लाइन पहले फाइंड करो, बी कैसे मिलेगा, बी माइनस ए, डायरेक्शन रेशियोज मिल गए, डायरेक्शन रेशियो ऑफ सी डी, डी माइनस सी कर दो, और उसके बाद अप्लाई करेंगे सिंपल कॉस थीटा। चलो क्वेश्चन नंबर 6, इफ दिस लाइंस आर परपेंडिकुलर, लाइंस आर परपेंडिकुलर, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, आगे एक सम आया था पी वाला बराबर पे। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्यों, पी वाला फॉर्म तो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं था। ये देखो एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड है स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो मतलब सिर्फ सीधा दोनों का डॉट, ये इंटू ये प्लस ये इंटू ये प्लस ये इंटू ये इक्वल टू ले लेंगे ज़ीरो, और वैल्यू ऑफ के मुझे मिल गई। बट अपने आप ट्राई करते रहना, मैं जो समझा रहा हूँ उसके बाद अपने आप एक बार फटाफट से ट्राई करते रहो, क्योंकि हम बोर्ड के लिए काम कर रहे हैं तो थोड़ा जल्दी ही जाएंगे। 7th, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिस थ्रू, पासिस थ्रू वर्ड आया मतलब दिमाग में आपको क्लिक होनी चाहिए दिमाग में, ये मुझे ए बार मिल गया, एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन। अच्छा प्लेन वाला पार्ट तो कैंसिल है, चलो प्लेन वाला जो भी है यहाँ पे कैंसिल, तो मतलब इसके बाद जितने भी सम्स है वो सब प्लेन के क्वेश्चन ही है, यहाँ पे प्लेन 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 सब कुछ प्लेन। ओके, तो हमारा टेक्स्ट बुक लेवल का जो भी है लाइन्स हो गया कंप्लीट। वैसे चैप्टर पूरा हो गया हमारा कंप्लीट, पर मैंने बात की थी आपको स्टार्टिंग में कि 2-3 सम ऐसे जो पहले बोर्ड में आ चुके हैं पर बुक में नहीं दिए, वो हम करते, वो नीचे मैंने यहाँ पे रखे रेडी। चलो तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे शो दैट लाइंस इंटरसेक्ट एंड फाइंड द, अच्छा तो पहले क्वेश्चन नंबर, ये जो हमारा 18 क्वेश्चन है, एक मिनट सॉरी, क्वेश्चन नंबर 18, शो दैट द लाइन्स इंटरसेक्ट एंड हैंस फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, शो दैट लाइन इंटरसेक्ट एंड हैंस फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। चलो तो हमने स्टार्टिंग में बात की थी एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की फॉर्मूला की, पता है वो फॉर्मूला निकालो फटाफट से, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की फॉर्मूला निकालो। वो फॉर्मूला ऐसी थी, डिस्टेंस डी इक्वल टू मोड ऑफ ए टू माइनस ए वन, वैक्टर ए टू माइनस ए वन डॉट बी वन क्रॉस बी टू अपॉन अंडर रूट, अपॉन मतलब मोड ऑफ बी वन क्रॉस बी टू। और मैंने समझाया था तब कंसेप्ट स्क्यू लाइन का और इंटरसेक्टिंग लाइन का, तो यहाँ पे वही कंसेप्ट यूज करना है, तो मतलब ऊपर वाला पार्ट अगर जीरो हो गया तो लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, तो मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन, इंटरसेक्टिंग लाइंस की कंडीशन क्या हो गई, तो ए टू माइनस ए वन डॉट बी वन क्रॉस बी टू इक्वल टू जीरो, देन लाइंस आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। अंडरस्टूड, तो बस फटाफट से यूज करते वही कंसेप्ट। चलो तो हम सम शुरू करते हैं यहाँ पे टू द पॉइंट। चलो यहाँ पे ये रहा हमारा ए वन बार, ये रहा बी वन बार, ये रहा हमारा ए टू बार, और ये रहा बी टू बार, क्लियर। सो अब मैंने समझाया था स्टार्टिंग में डॉट एंड क्रॉस, डॉट एंड क्रॉस मतलब ये बन जाएगा हमारा डिटर्मिनेंट, क्या बन जाएगा डिटर्मिनेंट, ए टू माइनस ए वन कर दो, ए टू माइनस ए वन, तो ए टू माइनस ए वन की वैल्यू थ्री, थ्री टू माइनस फोर और फाइव माइनस टू जो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा फाइव माइनस थ्री टू, फिर माइनस टू माइनस टू माइनस फोर, और वहाँ पे के नहीं है मतलब जीरो के, जीरो के माइनस फोर के, माइनस माइनस फोर के मतलब प्लस फोर हो गया, तो ये मुझे मिल गया ए टू माइनस ए वन। और बी वन, ये रहा बी वन,
B1 मेरा ये रहा और B2, B2 हमारा ये रहा, तो B1 एंड B2 मतलब 1, 2, 2, 3, 2, 6 एंड नाउ एक्सपेंशन. सो 2 × 6 = 12 − 4 माइनस माइनस प्लस 4, 4 × 6 − 6 एंड प्लस 4 × 4 × 2 − 6 12 − 4 = 8, 8 × 2 = 16 प्लस ये तो 0 हो गया ऑलरेडी. और 2 − 4 − 4 − 4 × 4 = 16 विच इज इक्वल टू 0. क्लियर बेटा? विच इज इक्वल टू 0. तो क्लियरली लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, देयरफॉर लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग. और एक बात और सुन लो, ऐसा पूछा हो प्रूव दैट लाइन्स आर कोप्लेनर. क्या पूछा हो भाई? प्रूव दैट लाइन्स आर कोप्लेनर. तो सेम काम करेंगे भी. ऐसा पूछा है प्रूव दैट लाइन्स आर कोप्लेनर लाइन्स, तो सेम ही कंसेप्ट. क्लियर? अच्छा, अब हमें दिखाना है, अब हम फाइंड करना है इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना है. तो इंटरसेक्शन पॉइंट इसका फाइंड करना है हमें. तो ये जो है उसको हम कॉपी कर लेते हैं, इसको नीचे ले लेते हैं थोड़ा सम दिखने के लिए. चलो यहाँ पे अच्छा, अब इसका हमें इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना है. इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना बहुत ईजी है. अब यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया कि दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन्स है. तो मतलब इसका मतलब क्या, दोनों का ये जो पॉइंट है कॉमन पॉइंट हो गया M. क्लियर? तो कन्वर्ट दिस लाइन इन जनरल फॉर्म. तो इसका जनरल फॉर्म क्या आ जाएगा? जनरल फॉर्म ऑफ दिस लाइन इज 3 + λ, 2 + 2λ and −4 + 2λ. इसका जनरल फॉर्म निकालो. जनरल फॉर्म ऑफ दिस लाइन इज 5 + 3μ, −2 + 2μ and 0 + 6μ. अब क्लियरली M इज ऑन बोथ दी लाइन्स. तो मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए, इंटरसेक्शन पॉइंट मतलब दोनों इक्वल हो गए. इक्वेटिंग दिस टू, हमें दोनों को इक्वेट करना है, सिर्फ ये दोनों इक्वेशन इक्वेट करना है. इक्वेटिंग दिस टू इक्वेशंस, तो मतलब 3 + λ = 5 + 3μ, 2 + 2λ = −2 + 2μ और −4 + 2λ = 6μ. तीनों में से कोई भी दो इक्वेशन सॉल्व कर लो और डाल द वैल्यू. चलो जैसे यहाँ पे कर दें हम, तो यहाँ पे ऐसा करेंगे λ − 3μ = 2 मिला. तो यहाँ से फाइंड करो λ क्या होगा, 2 + 3μ, उसको पुट कर दो यहाँ पे, बराबर यहाँ पे डाल दो सीधा, रेडी मेरे पास इक्वेशन इसलिए. तो −4 + 2 × 2 + 3μ = 6μ. अंडरस्टूड? बस हमने सिर्फ वैल्यू डाल दी यहाँ पे और ये बन जाएगा हमारा. यहाँ से फाइंड करो −4 − 4, ये हो जाएगा 0 + 3 × 6μ = 6μ. हाँ, ये तो इट इज़ ऑलवेज ट्रू. तो फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्बडा दिस इज ट्रू. अच्छा, एक और बार चेक कर दी यहाँ पे, 2 + 2 × 2 + 3μ = −2 + 2μ. अच्छा, 2 + 2 = 4 + 6μ. हाँ, यहाँ से एग्जैक्टली वैल्यू मिलेगी आपको. तो ये हो जाएगा यहाँ पे 4μ = 4 + 2 = 6, उसको सामने ले जाओ, −8 हो गया. सो μ = −2. अब आ गया आंसर हमारा, μ − 2 डाल दो म्यू वाले पॉइंट में. तो μ = डाल देते −2 यहाँ पे, कहाँ पे, ये रहा. चलो, तो हमें इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया. तो यहाँ पे रिप्लेस कर दो, μ =
जो वैल्यू आई थी म्यू की वैल्यू आई थी माइनस टू, तो म्यू इक्वल टू माइनस टू, तो फाइव माइनस सिक्स माइनस टू माइनस फोर एंड सिक्स टू जा माइनस ट्वेल्व, तो ये जो भी मिला वो हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया। तो कुछ नहीं करना है, फिर से एक बार समझ लो, पहले हम फाइंड करेंगे ए टू माइनस ए वन डॉट बी वन क्रॉस बी टू इक्वल टू जीरो, प्रूव कर देंगे वो जीरो है, इसका मतलब हो गया वो इंटरसेक्टिंग लाइन्स है, और उसके बाद दोनों लाइन को करो कन्वर्ट जनरल फॉर्म में और उसको कंपेयर कर लो, और कैसे भी कुछ भी करके लैम्डा या म्यू दोनों में से कोई एक फाइंड करो और उसको रिप्लेस कर दो फिर से जनरल फॉर्म में, वो मुझे मिल जाएगा इंटरसेक्शन पॉइंट एम। क्लियर? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और बोर्ड में आ चुका है, ऐसे क्वेश्चन दो तीन बार आ चुके हैं, पर मुझे ये क्वेश्चन मिला इसलिए मैंने ये सॉल्व कर दिया, बोर्ड में पूछा हुआ। अब लेते हैं नेक्स्ट टाइप, दूसरे टाइप का क्वेश्चन जो ऊपर था, कहाँ गया भाई ये रहा, चलो बहुत नीचे जाना पड़ेगा, चलो ठीक है कोई बात नहीं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है हमें यहाँ पे। एक तो देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लो, फाइंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ए टू द लाइन जॉइनिंग दीज टू पॉइंट्स एंड फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट, ये सब क्या समझा रहा है वो हम देखते हैं। तो ये सब हमें समझा रहा है ऐसा, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मैंने ड्रॉ कर दिया, ये रहा, चलो ये रही फिगर हमारी, ये जो दिया हुआ है दिस इज गिवन पॉइंट ए, ये पॉइंट ए दिया हुआ है माइनस वन एट एंड फोर, ये जो पॉइंट है बी, ये जो पॉइंट है हमें सी दिया हुआ है जीरो माइनस वन थ्री एंड टू माइनस थ्री माइनस वन, और हमें दो फाइंड करना है। तो यहाँ पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर मतलब उसको बोलते हैं हम एम, जहाँ पे परपेंडिकुलर बन रहा है वो, विच इज एम, और ए डैश मतलब इसकी इमेज, इमेज मतलब ये दोनों डिस्टेंस ए एम और ए डैश एम सेम होंगे, ये दोनों हमें फाइंड करना है बराबर। हमें ये ऐसा पूछा है यहाँ पे, पहले एम फाइंड करेंगे और उसके बाद फाइंड करेंगे ए डैश। तो क्लियरली देखो यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो ऑफ बी सी फाइंड करो, पहले लाइन बी सी, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन बी सी वो हमारा क्या होगा, सी माइनस बी होगा, टू माइनस ज़ीरो टू, फिर माइनस थ्री माइनस वन माइनस माइनस वन मतलब माइनस टू एंड माइनस वन माइनस थ्री माइनस फोर, डायरेक्शन रेशियो मुझे मिल गया बराबर। ओके अब क्या करेंगे, फाइंड करेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन बी सी, इक्वेशन ऑफ लाइन बी सी हमारा क्या, आर बार इक्वल टू ए बार प्लस लैम्बडा बी बार, देयरफॉर आर बार इक्वल, ए बार मतलब एनी पॉइंट, वो लिया मैंने जीरो माइनस वन थ्री प्लस लैम्बडा इंटू बी बार, ऊपर फाइंड किया मैंने टू माइनस टू माइनस फोर, ये होगा बी बार, डायरेक्शन होगी मतलब, अंडरस्टूड। सो हमें अब क्या करेंगे, नाउ फाइंड आउट जनरल फॉर्म, अब हम बनाएंगे जनरल फॉर्म ऑफ द लाइन, मतलब वो मिलेगा हमें जनरल पॉइंट, विच इज इक्वल टू जनरल पॉइंट ऑन बी सी, लाइन बी सी विच इज इक्वल टू जीरो प्लस टू लैम्बडा, टू लैम्बडा माइनस वन माइनस टू लैम्बडा एंड थ्री प्लस माइनस फोर, मतलब थ्री माइनस फोर लैम्बडा, थ्री माइनस फोर लैम्बडा। तो अभी तक हमने दो पॉइंट दिए, पहले हमने क्या किया समझो, पहले मैंने डायरेक्शन बी सी फाइंड कर ली, डायरेक्शन ऑफ बी सी फाइंड कर लिया, मतलब मैंने स्टार्टिंग वाला सम किया, दो पॉइंट दिए है तो दो पॉइंट में से इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड कर दी। क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया, बी सी का इक्वेशन मैंने फाइंड कर लिया, ये मैंने बी सी का इक्वेशन फाइंड कर लिया समझो, और उसको लिख दिया पॉइंट के फॉर्म में। तो अब ये मुझे मिल गया पॉइंट एम, क्योंकि ये जनरल फॉर्म है, जनरल पॉइंट है, इसको हम अज्यूम कर लेंगे कि हमारा पॉइंट एम है,
बराबर। तो ये मुझे पॉइंट एम मिल गया। अब क्लियरली फिगर में देखो, क्लियरली वेक्टर ए एम मतलब डायरेक्शन ऑफ ए एम परपेंडिकुलर बी सी है, बराबर। तो ए एम और बी सी परपेंडिकुलर, इसका मतलब क्या हो गया? परपेंडिकुलर मतलब ए एम डॉट बी सी इक्वल टू जीरो हो गया। डायरेक्शन ए एम डायरेक्शन बी सी इक्वल टू जीरो हो गई, बराबर। डायरेक्शन ए एम फाइंड करने के लिए ए एम कैसे फाइंड करेंगे? तो ए एम फाइंड करेंगे हम यहाँ पे कर रहे बाजू में। तो वेक्टर ए एम दो पॉइंट मेरे पास है, एम बी ए और ए बी है। ए एम मतलब होगा एम माइनस ए, क्लियर। तो एम माइनस ए करो, चलो टू लैम्बडा माइनस माइनस वन, फिर माइनस वन माइनस टू लैम्बडा माइनस एट मतलब माइनस नाइन माइनस टू लैम्बडा, थ्री माइनस फोर लैम्बडा माइनस फोर माइनस वन माइनस फोर लैम्बडा। तो ये मुझे मिल गया ए एम बस। तो ए एम डॉट बी सी इक्वल टू हमें करना है जीरो। और डायरेक्शन रेशियो ऑफ बी सी मेरे पास क्या है, ये रहा। सो डायरेक्शन रेशियो ऑफ बी सी ये इनटू ये करेंगे हम जीरो। तो सीधा करो मल्टीप्लाई, टू इंटू टू लैम्बडा प्लस वन माइनस टू इंटू माइनस नाइन माइनस टू लैम्बडा एंड माइनस फोर इंटू माइनस वन माइनस फोर लैम्बडा इक्वल टू जीरो। टू टू जा यहाँ पे फोर लैम्बडा प्लस टू माइनस माइनस प्लस एटीन प्लस फोर लैम्बडा प्लस फोर प्लस सिक्सटीन लैम्बडा इक्वल टू जीरो। फोर प्लस फोर एट प्लस सिक्सटीन ट्वेंटी फोर लैम्बडा प्लस एटीन प्लस टू ट्वेंटी प्लस फोर ट्वेंटी फोर, ट्वेंटी फोर इक्वल टू जीरो। सो लैम्बडा इज माइनस वन बस। तो हमें आंसर मिल गया। तो नाउ जनरल पॉइंट, ये रहा हमारा जनरल पॉइंट, वो लाइन बी सी के ऊपर का जनरल पॉइंट है। मैं इसको थोड़ा और कर दूँ सिंप्लीफाइड, उसको कम कर दे, छोटा कर दीजिए। अच्छा ठीक है। सो लैम्बडा इक्वल टू, फिगर देखो ध्यान से आप यहाँ पे फिगर देखो। तो फिगर में यहाँ पे जो पॉइंट एम है हमारा, पॉइंट एम वो जनरल पॉइंट हो गया, ये रहा। और जनरल पॉइंट ऑफ बी सी लैम्बडा की वो डाल दो माइनस वन। सो पॉइंट एम इक्वल टू माइनस टू माइनस वन प्लस टू एंड थ्री माइनस फोर प्लस फोर सेवन। सो माइनस टू वन सेवन इज कॉल्ड फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अंडरस्टूड। एक आंसर हमें मिल गया। अब हम फाइंड करते हैं दूसरा आंसर। तो दूसरा आंसर हमारा होगा यहाँ पे, अब हमें फाइंड करना है यहाँ पे इमेज ए डैश। अब हमें फाइंड करनी है यहाँ पे इमेज ए डैश। तो क्लियरली एम इज द मिड पॉइंट, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड ए डैश मतलब ए प्लस ए डैश बाय टू कर दो। तो पॉइंट माइनस वन और ए डैश पता नहीं हमें, पर एम पता है। देखो एम पता है क्या है, माइनस टू वन सेवन, माइनस टू वन सेवन है एम। एम की वैल्यू डाल दो यहाँ पे, ये कट कर देते, एम टी वैल्यू माइनस टू वन सेवन इज इक्वल टू, सपोज ए डैश है हमारा एक्स डैश वाई डैश जेड डैश। फिगर में देखो बस, आंसर आ गया हमारा एक्स डैश माइनस वन बाय टू वाई डैश प्लस एट बाय टू एंड जेड डैश प्लस फोर बाय टू। सो देयरफॉर एक्स डैश इक्वल टू एक्स डैश माइनस वन बाय टू इक्वल टू माइनस टू। सो एक्स डैश इक्वल टू 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 जा फोर, माइनस फोर और वन सामने, माइनस फोर प्लस वन माइनस थ्री। सिमिलरली चलो बेटा फाइंड कर दो वाई डैश, तो वाई डैश फाइंड करेंगे टू वन जा टू और माइनस एट माइनस सिक्स, टू माइनस एट माइनस सिक्स एंड जेड डैश, जेड डैश इक्वल टू सेवन टू जा फोर्टीन माइनस फोर टेन। तो आवर आंसर इज इमेज इमेज ए डैश इक्वल टू माइनस थ्री माइनस सिक्स एंड टेन, क्लियर। अब ऐसा भी पूछ सकते हैं आपको एग्जाम में
कि फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए एम, क्या पूछ सकते हैं आपको, फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए एम। तो हमने अभी एम फाइंड कर लिया बेटा, एम मिल गया हमें, एम मिला माइनस 217। ये जो मेरा पॉइंट है यहाँ पे एम माइनस 217, दोनों पॉइंट के बीच में अप्लाई करो डिस्टेंस फॉर्मूला, तो ऑटोमेटिकली हमें मिल जाएगा डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट फाइंड करना है, ये दोनों के बीच में अप्लाई कर सकते हैं हम डिस्टेंस फॉर्मूला। क्लियर, आई होप आपको सबको मज़ा आया होगा। मैंने बहुत अच्छी तरह से ट्राई किया अपनी तरफ से जितना हो सके उतना मैं आपको क्विकली रिविजन करवाओ और सभी पॉइंट्स कवर कर लो। तो आपने जो भी लिखा है उसको अच्छी तरह से रिविजन करो, कहीं भी आपको लगे प्रॉब्लम है तो एक बार वीडियो को रिवाइज करो, और इसमें से मेरे ख्याल से बोर्ड में 8 मार्क्स जितना आपको मिलेंगे, 8 मार्क्स का ये चैप्टर है, और 8 मार्क्स हमें छोड़ने ही नहीं है, क्योंकि जिसको पूरे मार्क्स लाने हैं उसको लाने पड़ेंगे, और जिसको सिर्फ पास होना है इंटीग्रेशन वाला पोर्शन अभी तक अच्छी तरह से कैलकुलस वाला नहीं किया हुआ है, तो ये 8 मार्क आपके लिए संजीवनी बन जाएगा, संजीवनी जड़ी बूटी बन जाएगा। ठीक है ना बेटा, चलो बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन।